नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सांख्यकारिका पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें प्रमाण का विषय हम देख रहे थे। तो दो प्रमाणों पर हमने विचार किया, प्रत्यक्ष के बारे में और अनुमान के बारे में। फिर सांख्य में जो तीसरा प्रमाण आपका दिया है, आप्त वचन प्रमाण, उसके बारे में आज देखते हैं। और साथ ही ये जो विषय हमने प्रमाण का देखा, इससे जुड़ी हुई जो कारिकाएँ आपकी सांख्य में दी हुई है, सांख्यकारिका में, उन कारिकाओं का कैसे कैसे अर्थ बनेगा, उस पर भी विचार करेंगे। तो तीसरा आपका जो प्रमाण है वो है आप्त वचन, जिसको हम शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। और सांख्यकारिका में उसकी जो डेफिनेशन दी है, आप्त श्रुति ही, आप्त की जो श्रुति है, आप्त का जो कथन है, वचन है, उसको ही आप्त वचन प्रमाण कहा जाता है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल वर्ड है, वो है आप्त। उस आप्त का क्या अर्थ होता है वो तो सांख्यकारिकाकार ने नहीं दिया है, लेकिन अन्य शास्त्र में प्राप्त होता है कि यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। और भी कई प्रकार के अर्थ मिलते हैं, लेकिन ये एक अच्छा अर्थ मुझे लगा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यथाभूत कि जो पदार्थ जैसा है उसको कहते हैं यथाभूत। तो जो पदार्थ जैसा है, जैसा वो एग्जिस्ट करता है, उस अर्थ को वैसा ही जानकर, वैसा ही उपदेश देने वाला, तो दोनों ही पार्ट है इसमें है। उसको जैसा पदार्थ पहले वैसा जाने, तो सामान्य व्यक्ति तो गलत भी जान सकता है, सही भी जान सकता है। तो जो ऋषि स्तर का व्यक्ति है, जो समाधि प्राप्त व्यक्ति है, वही सभी पदार्थों को यथार्थ जान पाएगा। या मान लीजिए सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी है, तो वो जिस पदार्थ को सही जान रहा है, वो सही जानकर उसका वैसा ही उपदेश कर रहा है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको हम आप्त कहेंगे। और ऐसे आप्त व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो भी वचन होगा या जो भी कथन होगा, वो आप्त वचन प्रमाण के रूप में कहा जाएगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी प्रमाण होता है, उस प्रमाण से कभी भी अयथार्थ का ज्ञान या गलत ज्ञान नहीं होता। उससे जो भी ज्ञान होगा आपका, वो यथार्थ ही ज्ञान होगा। तो यहाँ भी यथार्थ ज्ञान क्यों होगा? क्योंकि आप्त पुरुष वही है कि जो जैसा पदार्थ है पहले वैसा का वैसा जानेगा। यदि ऐसा है कि पदार्थ को गलत जाना और जैसा जाना वैसा कह दिया, तो भी वो आप्त वचन में नहीं आएगा। क्योंकि पहली शर्त यही है कि पहले पदार्थ को जैसा है वैसा जाने, यथाभूत मतलब जैसा है वैसा जाने, जैसा एग्जिस्ट करता है, फिर वैसा ही कहे, तब वो आप्त की कोटि में आएगा और उसके ही वचन को आप्त वचन कहेंगे। पहला पार्ट तो ये हुआ। तो आपसे कारिका में पूछा जा सकता है कि सांख्य कारिका के अनुसार आप्त वचन की परिभाषा क्या है, आप्त श्रुति। फिर दूसरा पार्ट जो उन्होंने कहा कि दो प्रमाण हमने जो देखे थे, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष में तो कहा था कि सामान्य जो वस्तुएं हैं उनका ज्ञान होता है। फिर अनुमान में कहा था जो अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं, जिनका हम 5 senses से नहीं ज्ञान कर सकते हैं, उन अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान अनुमान से होता है। और आगम के बारे में कहते हैं कि उपयुक्त दोनों प्रमाणों से जो असिद्ध है, ऐसी परोक्ष वस्तुओं का जिसका हम अनुमान से भी ज्ञान नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ही अधिक अतीन्द्रिय है, जहाँ पर प्रत्यक्ष का भी कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, जैसे भूतकाल की वस्तुएं हैं या ऐसी वस्तुएं जहाँ पर अनुमान या कारण कार्य संबंध भी नहीं बन पा रहा है, ऐसी वस्तुओं का ज्ञान होता है आपका आगम प्रमाण से। जैसे आपका भूतकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, या पर देश के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ से अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगम प्रमाण के रूप में अन्य व्यक्तियों के माध्यम से जान रहे हैं। तो ऐसे हम बहुत प्रयोग करते हैं। बात वही है कि वो यथाभूत अर्थ का उपदेष्टा होना चाहिए। ये तीन प्रमाण हुए। अब इनके संदर्भ में जो कारिका आपकी दी हुई, उन कारिकाओं को देखते हैं। तीन कारिका हम पहले देख चुके थे, आगे देखिएगा। दृष्टम, अनुमानम, आप्त वचनम च, इनके संबंध से क्या दिखाया? तीन प्रमाण दिखा दिए। दृष्ट पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त वचन मतलब तीसरा प्रमाण। ये तीन प्रमाण हुए। तो आगे लिखा सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, कि इन तीन प्रमाणों में ही सर्वेशाम प्रमाणानाम सिद्धत्वात्, सभी प्रमाण, अन्य जो भी प्रमाण दिए गए, कोई उपमान देता है, कोई ऐतिह्य देता है, कोई अर्थापत्ति देता है, वे सभी के सभी प्रमाण इन तीन प्रमाणों के द्वारा ही सिद्ध हो जाएंगे। अन्य प्रमाणों के स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। वो इन्होंने कहा नहीं यहाँ पे कि किस प्रमाण में किसका अंतर्भाव होगा, लेकिन ये इन्होंने अवश्य कहा है कि इन तीन के अतिरिक्त किसी स्वतंत्र प्रमाण की स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। तो इस आधार पर त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, ये पंक्ति पूछी जाती है कि पंक्ति कहाँ की है।
यह सांख्य कारिकाकार कितने प्रमाण इष्ट रखता है, तो त्रिविधम, तीन प्रकार के प्रमाण ही इष्ट है। अगली प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि। प्रमाणाद्धि में अलग अलग करेंगे तो प्रमाणात ही संधि करके आपका ऐसा हुआ है, ही आपका एक निपात है जिसका प्रयोग निश्चय रूप में किया जाता है, तो कहा प्रमेय की जो सिद्धि होती है वो प्रमाण से ही निश्चय पूर्वक होती है। तो प्रमाण तो हमने पढ़ा, जो प्रमा का साधन है जिसके द्वारा हम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उस साधन को प्रमाण कहेंगे। वो प्रमेय शब्द का अर्थ क्या, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, प्रमाण से जानने योग्य जो अर्थ है उस अर्थ को हम कहेंगे प्रमेय। तो जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को जो एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम प्रमेय कह सकते हैं। तो उन सब प्रमेयों की सिद्धि या उनका जो ज्ञान आपको होगा वो प्रमाण से ही होता है। तो ये पंक्ति प्रसिद्ध है, पूछ सकते हैं कि प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि, ये किस शास्त्र की है, सांख्य कारिका की। फिर लक्षण आए थे जो हमने पढ़े थे, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, पढ़ चुके हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान तीन प्रकार का है, प्रसिद्ध है आपका, ये भी हमने पढ़ा था। उसकी परिभाषा भी, तल लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, ये भी हमने पढ़ा। और आप्त वचन का, आप्त श्रुति ही आप्त वचनम, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी। अब उनके द्वारा किन किन विषयों का ज्ञान होगा वो षष्ठक कारिका में बताया। सामान्यतस्तु दृष्टात, कि दृष्ट प्रमाण से, पंचमी भक्ति है कि दृष्ट प्रमाण से किन का ज्ञान होता, सामान्यतः, सामान्य जो वस्तुएं हैं, जो स्थूल वस्तुएं हैं उनका ज्ञान आपका होता है। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही अनुमानात, और अनुमानात अनुमान से, यहाँ भी पंचमी भक्ति है। केशाम प्रतीति ही, किनकी प्रतीति होगी, अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रिय जो वस्तुएं हैं, अतीन्द्रिय जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान किससे होगा, अनुमान से होगा, ये भी हम देख चुके हैं। वो तस्माद अपि च असिद्धम, तो उससे भी, तस्मात मतलब इन दोनों से, जो दृष्ट से भी असिद्ध है, मतलब दृष्ट से तथा प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, और अनुमान मतलब अनुमान से भी जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, इन दोनों से भी, अपि मतलब भी, इन दोनों से भी जो असिद्ध है, जो ज्ञात नहीं हो रहा है, ऐसा जो परोक्ष है, ऐसा परोक्ष मतलब जो दोनों से परे है आपका, ऐसा जो ज्ञान है वो आप्तागमात सिद्धम, वो आप्तागम से या आप्त प्रमाण से वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट, पूछ सकते हैं कि सांख्य कारिका के अनुसार जो परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान है वो किस प्रमाण से होता है, वो आगम प्रमाण से है। जो अतीन्द्रिय का ज्ञान है वस्तुओं का वो अनुमान से होता है। जो सामान्य वस्तुओं का ज्ञान है वो किससे होता है, वो दृष्ट प्रमाण से होता है। तो विषय हमने पढ़ लिया था पहले, उसके बाद हमने कारिका देखी, जिससे आपको कारिका का जो अर्थ है वो सरलतया आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई अस्पष्टता होता पूछ सकते हैं। इस कक्षा में इतना ही रखेंगे, आगे का जो विषय है सांख्य कारिका का वो हम अगली कक्षाओं में रखेंगे। आज इतना ही है। ओम शम।